स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल स्टफ यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सर्विंग का। एंड दोस्तों प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने हाफ पार्ट इंजीनियर मैकेनिक्स का कंप्लीट किया है, तो आप वीडियो देख सकते हो। एंड दोस्तों हाफ पार्ट इंजीनियर मैकेनिक्स का हम सर्विंग के बाद कंप्लीट करेंगे, तो साइमल्टेनियसली हमारे दो सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। एंड दोस्तों हमने जो भी हाफ पार्ट अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने जो भी इंजीनियर मैकेनिक्स के टॉपिक्स क्लियर किए हैं, कवर किए हैं, तो अगर आपको दोस्तों उन टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट है या फिर और आपको किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम चाहिए, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चाहिए, तो मैं 2-3 वीडियोज़ में वो सारे टॉपिक्स कवर करके सर्विंग को हम ब्रीफली स्टार्ट कर देंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं सर्विंग का, तो चलिए सर्विंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों जनरली सर्विंग में क्या होता है, आपने कई बार मैप देखा होगा, ओके। तो इस मैप में अगर कोई भी पॉइंट है, सपोज करते एक बिल्डिंग है हमारी, ओके, तो अगर हमें किसी भी मैप के अंदर एक बिल्डिंग को अगर हमें लोकेट करना है, तो हमें उस बिल्डिंग की परफेक्ट लोकेशन चाहिए होगी, ठीक है, कंप्लीट लोकेशन चाहिए होगी। उस कंप्लीट लोकेशन का मतलब क्या है, उस बिल्डिंग का एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन देन रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजिशन मतलब क्या दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ से कोई रिवर पास हो रही है, ओके, ठीक है, तो इस बिल्डिंग का रिवर से डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये रिलेटिव पोजीशन हो गया। देन अगर यहाँ से कोई रोड जा रहा है या फिर नेशनल हाईवे जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के इस बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है वो रिलेटिव पोजीशन हो गया। तो वो सारे डिस्टेंसेस हमें फाइंड करने पड़ते हैं, तो उस डिस्टेंस के हेल्प करके हम उस बिल्डिंग ये जो हमारी बिल्डिंग है वो इसको ईजिली मैप के ऊपर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा वर्क अभी मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, उसमें कोई आपका टोपोग्राफिकल फीचर्स हो गया, ठीक है, देन नेक्स्ट रिवर हो गई, देन ब्रिज हो गया, वो सारे जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सारे के सारे हम सर्विंग का यूज़ करके हम लोकेट करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सर्विंग के क्या है। सो सर्विंग इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अबो और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय मीन्स ऑफ डिरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेज डिरेक्शंस एंड एलिवेशन। तो यहाँ पर देखिए सर्विंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको रिलेटिव पोजिशन हमें फाइंड करना पड़ता है, जैसे कि रिवर से लेकर के बिल्डिंग तक का डिस्टेंस, देन रोड से लेकर के बिल्डिंग तक का डिस्टेंस, यहाँ पर अगर कोई बड़ा कोई फीचर हो तो यहाँ से लेकर के बिल्डिंग तक का डिस्टेंस, तो वो हो गया आपका रिलेटिव पोजिशन। अभी वो जो हमारे पॉइंट है, यानी कि मैंने यहाँ पर बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था, तो वैसे आपको कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। अभी वो पॉइंट हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं या फिर नीचे भी हो सकते हैं, सारे पॉइंट्स के हम डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं सर्विंग में। सो रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अबो और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय मीन्स ऑफ डिरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेज डिरेक्शंस एंड एलिवेशन, ठीक है। डिस्टेंसेज तो हमें डिस्टेंसेज फाइंड करना है, डिरेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, सॉरी एंगल्स, एंगल से हमें फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका मतलब अभी देखिए यहाँ पर अगर कोई दूसरा पॉइंट प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ जो ये जो हमारा एंगल बनेगा विथ रेफरेंस हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा वो डिरेक्शन हमें फाइंड करना पड़ता है एंड एलिवेशन। तो अभी देखिए दोस्तों एलिवेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग प्रेजेंट है एंड ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, तो दोस्तों जनरली क्या होता है, अगर हमें किसी भी पॉइंट का सर्विंग में जनरली अगर हमें किसी भी पॉइंट का अगर एलिवेशन फाइंड करना है, तो वो एलिवेशन हम एक रेफरेंस सरफेस कंसीडर करते हैं। सो उस रेफरेंस सरफेस के अकॉर्डिंग हम एलिवेशन फाइंड करते हैं। तो रेफरेंस सरफेस हम सर्विंग में जनरली मीन सी लेवल को कंसिडर करते हैं, ओके। सो मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो हम फाइंड करते हैं, ओके स्टूडेंट। ये जो टॉप सरफेस का एलिवेशन हो गया और बॉटम सरफेस का भी हम एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सारे डिस्टेंसेस सर्विंग में सारे डिस्टेंस अगर हमें एलिवेशन फाइंड करना है, सॉरी एलिवेशन अगर हमें फाइंड करना है, तो हम मीन सी लेवल से ही हम एलिवेशन फाइंड करते हैं, ओके। तो देखिए जो हमारी इंडिया में मीन सी लेवल हम कंसिडर करते हैं, तो वो हमारी कराची में प्रेजेंट है, ओके। ऐसा नहीं कि अगर हम इंडिया में प्रेजेंट हो तो हमारी MSL मीन सी लेवल इंडिया में ही प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत बार MCQ में पूछा जा सकता है कि इंडिया की मीन सी लेवल कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो कराची में प्रेजेंट है, ओके स्टूडेंट। तो ये तो होगा जनरलाइजेशन ऑफ सर्विंग, डेफिनेशंस वगैरह क्या हम करते हैं सर्विंग में। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। तो जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, प्लेन सर्विंग, दो टाइप है, प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया आपका सेकंड टाइप, जियोडेटिक सर्विंग। सबसे पहले हम प्लेन सर्विंग में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों हम सबको पता है हमारी जो अर्थ है वो कुछ सर्कुलर,
शेप में, ठीक है। तो देखिए सर्कुलर शेप अगर हमारा है तो कुछ ना कुछ रेडियस, कुछ ना कुछ कर्वेचर होने वाला है अर्थ का, तो उसी के ऊपर हमारा क्लासिफिकेशन डिपेंड है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर, ओके। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ हम कंसिडर नहीं करते हैं प्लेन सर्वेइंग में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों अगर कोई दो पॉइंट है हमारे ए एंड बी, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, एंड दोस्तों इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, तो हम ये जो हमारा कर्वेचर है इन दोनों के बीच का अर्थ का, तो वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी अगर दो पॉइंट कंसिडर करते हैं पास पास, तो वो उसके जो उनके जो बीच का डिस्टेंस वो परफेक्टली फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो उसी उसी को हम स्ट्रेट भी कंसिडर कर सकते हैं, तो वो वही हम प्लेन सर्वे में कंसिडर करते हैं, कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर। सो इसका रीज़न भी है, दिस इज बिकॉज द प्लेन सर्वेइंग इज कैरिड आउट ओवर अ स्मॉल एरिया, सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन सर्वेइंग, ठीक है। तो जनरली अभी देखिए दोस्तों जो हमारा प्लेन सर्वेइंग होता है, ठीक है दोस्तों, तो जो जनरली हमारा जो प्लेन सर्वेइंग होता है ना, वो काफ़ी स्मॉल एरिया के लिए हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हमारा छोटा छोटा स्केल के लिए अगर हम सर्वे कैरी कर रहे हैं, तो वो हम प्लेन सर्वेइंग में करेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों अगर एक और बात मैंने बताई, अगर दो पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली हमारी लाइन होने वाली वो स्ट्रेट लाइन होने वाली है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होगी, वही मैं यहाँ पर लिखे लिखा है मैंने। यहाँ पर देखिए अभी तीन पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अगर हमारे दो पॉइंट पास पास है, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ना ही हमारी कर्व लाइन होने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो पास पास है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा, ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज प्लेन ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, हम जो हमारा सर्वे है वो काफ़ी स्मॉल एरिया के लिए कंडक्ट करने वाले हैं, तो अगर स्मॉल एरिया है तो किसी भी तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन्स जो ट्राइंगल फॉर्म करेंगी वो भी छोटा होगा, बराबर, तो इसी को हम प्लेन ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ऐसा, ओके। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड लाइन, थर्ड पॉइंट क्या हमारा, द लेवल लाइंस आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेट एंड ऑल द प्लम्ब लाइंस आर कंसिडर्ड एज पैरेलल। या फिर देखिए प्लम्ब लाइंस, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले प्लम्ब लाइन होता क्या है दोस्तों, अगर आपके घर के पास अगर कोई कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो जब भी कोई ब्रिक वर्क चल रहा होगा, तो ब्रिक वर्क की जो वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम प्लम्ब बॉब को यूज़ करते हैं। मतलब आपने अगर ये ब्रिक वर्क है हमारी, ओके, तो ब्रिक वर्क ये परफेक्टली वर्टिकल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए प्लम्ब बॉब होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ से एक स्ट्रिंग आती है हमारी, वो कंटिन्यू होकर यहाँ से निकलती है, ओके। तो इसका यूज़ करके हम इजीली वर्टिकल अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं वॉल का। तो जनरली ये प्लम्ब बॉब क्या करता है, हमें एक इमेजिनरी लाइन देता है, एक वर्टिकल लाइन हमें देता है, तो उसी को हम प्लम्ब लाइन कहते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों अगर हमारा प्लेन सर्वेइंग में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर स्ट्रेट है, ठीक है, ये होगा हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, एंड अगर ए पॉइंट में से हम प्लम्ब लाइन डालेंगे, ठीक है, एंड बी पॉइंट में से भी हम प्लम्ब लाइन डालेंगे, तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट है एंड ये भी हमारा स्ट्रेट होने वाला है, एग्जैक्टली वर्टिकल, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये दोनों लाइन हमारी वर्टिकल होने वाली है। मेन रीज़न क्या है इसका, हमारी ए बी लाइन स्ट्रेट है क्योंकि डिस्टेंस छोटा है, वही यहाँ पर मैंने लिखा है प्लम्ब लाइन्स आर कंसिडर्ड एज पैरेलल, ओके। तो यहाँ पर हमने प्लेन लाइन, सॉरी प्लेन सर्वेइंग हमने कंडक्ट कर लिया, सॉरी कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो अभी देखिए जियोडेटिक सर्वेइंग थोड़ा सा डिफरेंट है प्लेन सर्वेइंग में से, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या है, इन दिस केस द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टू बी कंसिडर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो है हमारा अर्थ का, तो वो हम कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हमारा ए पॉइंट है एंड यहाँ पर अगर हमारा बी पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाता है ना, ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बड़ा है तो सर्वे कर्वेचर ऑफ द अर्थ हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। प्लेन सर्विंग में ऐसा नहीं था, प्लेन सर्विंग में हमारे दो पॉइंट काफ़ी पास पास थे, तो वो हम निगलेक्ट भी कर सकते थे कर्वेचर ऑफ द अर्थ, बट यहाँ पर हमें जियोडेटिक सर्विंग में ये जो हमारा कर्वेचर है वो हमें कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ठीक है यहाँ पर देखें,
फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट इज कंसिडर्ड एज कर्व लाइन। ओके, मतलब इस यहाँ पर ए बी पॉइंट को अगर हमें ज्वाइन करना है तो ये हम ऐसा कर सकते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ के अलॉन्ग। तो यहाँ पर जो लाइन बनने वाली है वो हमारे स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाली, एक कर्व लाइन होगी हमारी, ठीक है, कर्व लाइन होगी। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट इज कर्व लाइन, इंपॉर्टेंट है। देन ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारा बड़ा एरिया है, जनरली देखिए दोस्तों, जियोडेटिक सर्वेइंग हम जनरली बड़े एरिया के लिए कंडक्ट करते हैं, कोई भी अगर हमारा किसी भी कंट्री का अगर हमें सर्वे करना है, ठीक है, तो वो हम जियोडेटिक सर्वेइंग में करते हैं क्योंकि एरिया बड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड उस एरिया में अगर तीन पॉइंट्स हैं, उन तीन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना, तो वो कुछ ऐसा स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ना ही ऐसा स्ट्रेट ट्राइंगल बनेगा हमारा। ओके, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में डिफरेंस है, ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर वो स्फेरिकल ट्राइंगल है। ओके, ये हो गया हमारा स्फेरिकल ट्राइंगल। एंड यहाँ पर जो था हमारा प्लेन सर्विंग में वो था प्लेन ट्राइंगल, ठीक है। जनरली इसमें छोटा एरिया था तभी प्लेन ट्राइंगल बना, अभी इसमें बड़ा एरिया हो गया तो जनरली हमारा स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट जो है हमारा, प्लम लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो प्लम लाइन्स क्यों पैरेलल नहीं होंगी हमारी, अब देखते हैं हम। देखिए, ये हो गया हमारा अर्थ का कर्वेचर, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर से अगर हम प्लम लाइन डालेंगे तो वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। एंड बी से अगर हम प्लम लाइन डालेंगे तो वो कुछ ऐसी होगी, इस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। एंड दोस्तों, ये पॉइंट दूसरा पॉइंट कोई नहीं तो हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट बात है, ज्योडेटिक सर्वेइंग में जो भी हमारी प्लम लाइन होती है, ठीक है, वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ में से पास करती है, ना ही वो पैरेलल होती है, वो हमेशा इंटरसेक्ट करती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, वही यहाँ पर हमने लिखा प्लम लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ओके, एंड जो हमारा बेसिक डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। अभी देखिए, प्लेन सर्विंग क्या होता है, प्लेन सर्विंग इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय स्टेट एजेंसीज दैट आर इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट एंड PWDs। तो देखिए दोस्तों, प्लेन सर्विंग में क्या होता है, प्लेन सर्विंग हम जो भी कैरी करते हैं छोटे एरिया के लिए, तो वो कंडक्ट की जाती है स्टेट एजेंसी से। तो स्टेट एजेंसीज कौन सी, हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, PWD हो गया। तो हमेशा प्लेन सर्विंग इन तीनों डिपार्टमेंट्स के कंडक्ट होता है, हमें ध्यान में रखिए। देन अभी देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अभी प्लेन सर्विंग छोटे एरिया के लिए कंडक्ट करता है, बट वो छोटा एरिया कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जनरली देखिए दोस्तों, वो जो एरिया होता है ना, वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ये हम आप जब सर्विंग वन सर्विंग टू पढ़ोगे आगे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, तब आपको अच्छे से समझेगा, बट हम जनरली फर्स्ट ईयर में आपको 250 किलोमीटर स्क्वायर बताया गया है, ठीक है। अगर आपका एरिया, आप जिस एरिया पर सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, अगर इसका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो उसमें हम प्लेन सर्विंग कैरी कंसिडर करेंगे। ओके, ऑन द अदर एंड, अगर हमारा एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, तो वो हम उसमें हम जनरली जियोडेटिक सर्विंग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियोडेटिक सर्विंग इज कंडक्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ओके, तो दोस्तों, जनरली जैसा कि मैंने बताया, जियोडेटिक सर्विंग एक बड़े एरिया के लिए कंडक्ट होता है। इसका मतलब, अगर हमें कोई किसी कंट्री का मैप अगर हमें फाइंड करना है या फिर बनाना है, तो उसे हम बड़ी एजेंसी जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, तो उस जो सर्वे ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द जियोडेटिक सर्विंग। एंड जो जियोडेटिक सर्विंग होता है दोस्तों, वो काफ़ी प्रिसीजन के साथ, काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हमें कंडक्ट करना पड़ता है। इसमें प्लेन सर्विंग में उतनी एक्यूरेसी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट चल जाता है, बट जियोडेटिक में सर्विंग में हमें काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करना पड़ता है। एंड जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं सर्विंग जियोडेटिक सर्विंग में, वो भी उनकी एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई होती है। ओके, एंड जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ डन ऑन एन एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो जियोडेटिक सर्विंग हमेशा याद रखिए, 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर आपका एरिया ज़्यादा हो, तभी आपको कंडक्ट करना है। ओके, ना अभी हमने प्राइमरी क्लासिफिकेशन तो हो गया हमारा, अभी हम सेकेंडरी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ा सा नेम से बस आपको याद में रखने, ध्यान में रखने हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में बेस ऑन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या है, बेस ऑन इंस्ट्रूमेंट। बेस ऑन इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब क्या है, हम टिपिकल टाइप ऑफ
सॉरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विंग के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वो क्लासिफिकेशन होने वाला है। तो देखिए चेन सर्विंग हो गया, कंपास है, एज द नेम सजेस्ट आप उसी से याद भी रख सकते हो। चेन सर्विंग में आपको चेन यूज़ करना पड़ेगा, स्टील चेन हो गया, वो आप हम आगे पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसी के ऊपर है चेन सर्विंग, ठीक है। कंपास सर्विंग में हम कंपास यूज़ करेंगे, प्लेन टेबल सर्विंग इसमें हम प्लेन टेबल यूज़ करेंगे, थेडोलाइट सर्विंग, टेकोमेट्रिक सर्विंग, फोटोग्राफिक सर्विंग, सो उसी के अकॉर्डिंग हम थेडोलाइट टेकोमेट्रिक उसके रिस्पेक्टिव में हम उस सर्विंग में यूज़ करने वाले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेस्ड ऑन मेथड। तो हम किसी भी सर्वे के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हम कौन सी मेथड से वो हम देखते हैं, ट्रायंगुलेशन सर्विंग, ओके। तो अगर ट्रायंगुलेशन सर्विंग जनरली दोस्तों जियोडेटिक सर्विंग में हम यूज़ करते हैं एंड ट्रैवर्स सर्विंग, तो ये एक मेथड है जिनका इम्प्लीमेंट हम सर्विंग में करते हैं प्लेन एंड जियोडेटिक सर्विंग में। नाउ बेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, नाउ बेस ऑन ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, हमारे सर्विंग करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल है हमारा, क्या एम है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। तो देखिए तो उसमें सबसे पहला है जियोलॉजिकल सर्विंग। तो देखिए दोस्तों जो भी हमारे जियोलॉजिकल फीचर्स है एग्जिस्टिंग, तो उसका सर्वे मतलब हमारा जियोलॉजिकल सर्विंग हो गया, ठीक है। माइन सर्विंग हो गया, तो जनरली हमारा माइनरी वर्क जो हमारा होता है जैसे कि कोल माइनिंग हो गया एक्सेट्रा, उसके लिए हमें जो सर्वे कंडक्ट करना पड़ता है तो उसे हम माइन करेंगे, माइन सर्विंग बोलेंगे। देन मिलिट्री सर्विंग हो गया, ओके। नाउ बेस्ड ऑन नेचर, नाउ नेचर के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला टाइप है हमारा लैंड सर्वेइंग, ठीक है। तो लैंड सर्वेइंग में देखिए टोपोग्राफिकल सर्वे आता है, कैडेस्ट्रल सर्वे आता है, सिटी सर्वे आता है एंड इंजीनियरिंग सर्वे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे मतलब हमारे जो जनरल टोपोग्राफी है अर्थ की, इसका मतलब टोपोग्राफी इसका मतलब क्या है, हमारा ग्राउंड फीचर्स, ठीक है। तो उसके हम फोटोग्राफ सॉरी उसका हम टॉप टॉप व्यू से अगर हम उसे स्टडी करेंगे तो उसे हम टोपोग्राफिकल सर्वेइंग बोलेंगे। तो आपको अगर एक वर्ड में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो टॉप व्यू, ठीक है। टोपोग्राफिकल फीचर्स हम लोकेट करते हैं। नेक्स्ट वन हो गया हमारा कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। तो देखिए दोस्तों कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, अगर आप किसी भी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए अगर आप सर्वे कर रहे हो, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यानी कि मतलब क्या, एक प्लॉट हो गया, प्लॉट के लिए अगर आप सर्वे कर रहे हो तो उसे हम कैडेस्ट्रल सर्वेइंग बोलेंगे, ठीक है। जनरली आप किसी ओनर की अगर प्रॉपर्टी हो उसके लिए अगर आप सर्वे करो तो कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया। तो आप अगर यहाँ पर भी लिख सकते हो ओनर प्रॉपर्टी, ऐसा भी लिख सकते हो। देन सिटी सर्वे, तो आपको सबसे सबको पता है सिटी है जो प्रेजेंट है उसका सर्वे करना, उस वो हो गया हमारा सिटी सर्वेइंग। एंड लास्ट बट वन इंजीनियरिंग सर्वेइंग, ओके। नाउ सेकंड जो है हमारा मरीन सर्वेइंग। तो मरीन सर्विंग क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं पानी में, जैसे हमारा हो गया डैम हो गया, ब्रिज हो गया, देन कलवर्ट्स हो गए, जो हमारे पानी में हमारे कंस्ट्रक्शन हो गए, तो उसके लिए जो हम सर्वे कैरी करते हैं सॉरी उसके लिए जो हम सर्वे कंडक्ट करते हैं तो वो हो गया हमारे मरीन सर्विंग। एंड लास्ट बट वन हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्विंग। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्विंग में क्या करते हैं हम, तो दोस्तों हेवनली जो बॉडीज़ है हमारी, हेवनली बॉडीज़ मतलब क्या, स्टार हो गया, देन मून हो गया, सन हो गया, उसका सर्वे हम करते हैं फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो उसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग बोलते हैं, ओके दोस्तों। तो दोस्तों पहले वीडियो में हमने सर्विंग जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट किया, अगर और भी बताना था दोस्तों मैं मुझे आपको, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग देखेंगे, दो ही प्रिंसिपल हैं, ओके। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।